देख के बाद आपका स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के सौजन्य से खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान से कृष्णा युवा मंडल वगेटू द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत हरित दिवस का आयोजन करते हुए राजकीय प्राथमिक पाठशाला वगेटू में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में पीटीए प्रधान अंजना कुमारी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने विचार रखें और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षों का रखरखाव और पौधारोपण करना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के सौजन्य से खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान से कृष्णा युवा मंडल भगेटू द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत हरित दिवस का आयोजन करते हुए राजकीय प्राथमिक पाठशाला भगेटू में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में पीटीए प्रधान अंजना कुमारी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने विचार रखें और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि अधिक से अधिक वृक्षों का रखरखाव पौधारोपण करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हम सबको अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाने चाहिए। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य कुंतला देवी ने बताया कि जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर के रूप में छोड़ गए थे उन्हें हम सजा कर रखना चाहिए। और स्कूल की अध्यापिका सुची चंदेल ने पौधारोपण की। इस उपलक्ष पर स्कूल के बच्चों को पेंसिल बांटी गई। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी सुमनलता, शकुंतला कुमारी, रविंद्र कुमार, तारो देवी, मनोरमा देवी, नरेश कुमार, हरि ओम, राजन कुमार, प्रेमचंद मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। ये प्राथमिक पाठशाला भगेटू में स्वच्छता पखवाड़े के तहत भगेटू स्कूल के आंगन में पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेहरू केंद्र हमीरपुर की राष्ट्रीय युवा और स्वयंसेवी सुमनलता और पीटीए के सदस्यों और अध्यापक गणों ने मिलकर पौधारोपण किया। हम सब ने मिलकर पौधारोपण की देखभाल की जिम्मेदारी ली।